को लेके, एशियन न्यूज और डीबी न्यूज, अजय केटी न्यूज, केटी लाइव न्यूज, कल्चिना टाइम्स, कल्चिना टाइम्स, बहुत बढ़िया कल्चिना टाइम्स। शुरू। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में हूँ। पहले आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। कल माननीय सुनीता यादव जी की जो बात मैंने आप लोगों के बीच रखी थी, एक वीरांगना, देश की वीरांगना और करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कन, हमारा शान, हमारी मान, हमारी अभिमान, सुनीता जी हम आपके साथ हैं। और बड़े दुख के साथ मुझे एक बात कहना पड़ रहा है कि ये सुनीता जी की जो घटना है केवल एकमात्र घटना नहीं है। जब से ये केंद्र शासित सरकार आई है और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, हम काफ़ी और चीज़ों को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग मुसीबतों को झेल रहे हैं, ना सिर्फ आम आदमी बल्कि सरकारी अधिकारी भी। भाई और बहनों, मैंने कुछ दिन पहले ये बात आपसे कही थी कि मैं अपने तमाम माताओं और बहनों के लिए, इस देश के लिए तैयार हूँ। कोई भी बहन, कोई भी माता अगर मुझे आधी रात आवाज़ दे तो उनका बेटा, उनका भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा भाई हो, वो तैयार है आपके लिए। ठीक इसी तरह मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक ऐसा अनोखा केस मेरे पास आया है कि मेरा दिल और कलेजा जो बिल्कुल फटने को तैयार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आवाज़ उठाई है तो कल भी आवाज़ उठाऊंगा और आगाज़ भी करूँगा और इन नेताओं के पास आऊँगा कि इनको किसने अधिकार दिया कि हमारे वीर बहनों और माताओं के साथ अत्याचार करे। सुनीता यादव जी, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और पूरे लड़ेंगे। आज मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम के बारे में। भाई और बहनों, ये नाम सुनते ही मेरे भी जहन में एकदम चिंगारी सी उठ गई। डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम, BAMS, MD और महाराष्ट्र सरकार में ये फिलहाल आरोग्य सेवा में कार्यरत हैं एज हेल्थ ऑफिसर। बताना चाहूँगा, एक सरकारी अधिकारी हैं जो कि MD हैं। आप जानते हैं डॉक्टरों का कितना बड़ा योगदान है आज हमारे लिए इस कोरोना के दौर में, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक पूर्व विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, जो मुझे बताया गया है डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम के द्वारा, और ये बताया जा रहा है कि निरंतर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर फब्तियाँ कसी जा रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने पुलिस में कंप्लेन भी दिया है, हेल्थ गवर्नमेंट में भी उन्होंने, डिपार्टमेंट में उन्होंने कंप्लेन की है। लेकिन आज एक भाई की बात, गर्व से कहता हूँ कि डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम ने जब मुझे अपना भाई माना और उन्होंने आवाज़ दिया कल की सुनीता जी की वीडियो को देखते हुए, सुनीता यादव जी की वीडियो को देखते हुए कि आप मेरे भाई बने, तो मैं गर्व से बोलता हूँ मेरा सीना चौड़ा हो गया। मुझे 56 इंच का सीना नहीं दिखाना किसी को, लेकिन इतना सीना जरूर है कि अगर कोई बहन मुझे आधी रात आवाज़ दे, उनको कोई कष्ट है, तो ये भाई तैयार है, तैयार है उन तमाम लोगों से लड़ने के लिए, तमाम परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो हमारे बहनों के प्रति अराजकता पैदा करती हैं। भाई और बहनों, डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम, इनकी पोस्टिंग है झावड़ा धोत्रा गाँव। आप फिर से सुनेंगे, झावड़ा धोत्रा गाँव जो कि अमरावती जिले में पड़ती है और जो तालुका है वो है चंद्रू रेलवे। गौर से सुनिएगा भाई और बहनों, डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम BAMS MD बतौर हेल्थ ऑफिसर के तौर पे पोस्टेड है। ये पोस्टेड है झावड़ा धोत्रा गांव अमरावती जिले में चांद्रू रेलवे तालुका में, और वहां के एक्स MLA हैं वीरेंद्र भाऊ जगताप। मैं ये नाम ले रहा हूँ, जगताप जी आपसे मुलाकात जल्द होगी। वो इसलिए होगी कि मेरी बहन को कष्ट मिला है आपके व्यवहार से, आपके टीम के लोगों के दुर्व्यवहार से, आप लोगों की फब्तियों से, और मैं चुप नहीं बैठने वाला, और ना मैं चुप बैठूंगा, ना करोड़ों रेबल चुप बैठेंगे। बहनों के लिए तो आप देखिए, बहनों में कोई जात बिरादरी नहीं आएगी। मेरे तमाम मुसलमान भाई, मेरे सिख भाई, मैं तो हिंदू हूँ ही, इसलिए मैं हिंदू का नाम लिया नहीं, और मेरे तमाम क्रिश्चियन भाई सभी पहल के लिए तैयार हैं। डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम जो कि हेल्थ ऑफिसर के तौर पर बतौर पोस्टेड हैं झावड़ा धोत्रा गाँव में अमरावती जिले में, तालुका है चंद्रू रेलवे, आप समझिए इनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार 5-6 महीने से इनको हर तरह की फब्तियां कसी दी जा रही है कि नहीं, आखिर क्यों फब्तियां कसी जा रही है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम जो है वो दलित समाज से आती है। भाइयों और बहनों, क्या एक डॉक्टर की कोई जाति होती है? क्या एक डॉक्टर का कोई धर्म होता है? ये सवाल बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी शिक्षा के ऊपर, और विशेष तौर पर जो डॉक्टर सुनीता जी का जो वीडियो है वो मेरे इस वीडियो के साथ जुड़ेगा, आप देखेंगे उस वीडियो को। मैं बताना चाहूंगा आपको एक बात, उन्होंने स्वयं ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा है और उन्होंने आह्वान किया है, उनकी सिस्टर ने भी मुझे कॉल किया और परिवार के और लोगों ने भी संपर्क किया है, वो मुझे भाई के तौर पे आह्वान कर रही है। तो बताएं कि हमारी भारतीय सभ्यता क्या ये बर्दाश्त कर सकेगी? रेबल तो छोड़िए, रेबल तो एक बहुत ही छोटी, यहाँ तो करोड़ों भाई है उनके। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले डॉक्टर सुनीता रमेश राव
मैं इस्लाम से एक बात कहना चाहूंगा कि बहन जी हमें गर्व है आपके ऊपर। अगर कोई आपको दलित के नाम पे उस गांव में नहीं आने देना चाहता हो कि आप वहां काम नहीं करेंगे, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि आप जिस समाज से आती है, इतने मेहनत करके, इतने परिश्रम करके आप ये मुकाम हासिल करती हो, डॉक्टरेट इन मेडिसिन, योर बीएमएस, माई सल्यूट यू मैम, मैं सल्यूट करता हूं आपको। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा अफसर अली भाई, जो कि आप देख रहे हैं चैनल को एशियन न्यूज चैनल, और हमारे साथ आप ये भी देख सकेंगे कलचीना टाइम्स, हमारे भाई हैं। इन लोगों का एक आगाज था, इन लोगों का एक आगाज था कि आप जिस राह पे चले हैं ये बहुत मुश्किलों भरा पथ है, इस पथ में हम आपके साथ हैं और जीवन भर हम आपके साथ हैं। इस युद्ध में, इस पथ में चलने के लिए हम तैयार हैं, चाहे हमें आघात कोई भी मिले, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो, पर मैं आपके साथ दूंगा। मुझे गर्व है मेरे भाइयों के ऊपर। मैं धन्यवाद देता हूं अफसर जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और निडरतापूर्वक कर रहे हैं, यही मीडिया का काम है। मैंने पहले भी बोला है, मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। आखिर डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम को, ये जो कांग्रेस के एक्स एमएलए हैं वीरेंद्र भाव जगताप, इनको क्या परेशानी है भाई? जगताप जी, किसी का दलित होना कोई बोझ है क्या, कोई गुनाह है क्या? क्या आप दलित को बोझ मानते हैं? मुझे बड़ी शर्म आती है आप जैसे लोगों के बारे में जब मैं सुनता हूं। जब आपने शपथ ली थी एमएलए की, आपको पता वो शपथ के आधुनिक रचयिता कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको हम कानूनन पिता का दर्जा देते हैं, जो आधुनिक सभ्यता के परिचय के मोहताज नहीं। आज जो कानून है, आज जो राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्शन है, राइट टू हियर है, ये हमें कहां से मिला? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और वो किस समाज से आते, मुझे कहने की जरूरत है, क्योंकि वो देवता है मेरे लिए। मेरे लिए वो केवल एक समाज है कि वो देवता है। और आप ये भूल गए कि रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। आप ये भूल गए कि महाभारत की सृष्टि किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि कौन है और आप होते कौन है जो हमारी बहन डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम के बारे में टिप्पणी करने की? मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके क्षेत्र में, दम हो तो बोलना मेरे आगे। एक भाई का जिगर दिख जाएगा आपको, एक भाई का कलेजा दिखेगा आपको, डेरिंग देखेंगे ना आपको। आप एक्स एमएलए, हम तो एमएलए नहीं है, वे आर नॉट ब्लडी पॉलिटिशियंस लाइक यू, रेबल्स हैं, बागी हैं। अब आप बागी से लड़िए, मेरी बहन से आप क्या लड़ेंगे? आपके औकात क्या है जो आप मेरी बहन से लड़ेंगे? इस देश में जितने भी लोग हैं, कभी सुनीता यादव जी जैसे वीरांगनाओं को परेशान करते हैं, कभी रानी नागर जी जैसे हमारी बड़ी बहन को परेशान करते हैं, वो आईएएस हैं। और ये हमारी बहन डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम, जो कि एमडी हैं, आपने इतना भी नहीं समझा कि एक डॉक्टर है, ये अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। आज कोरोना काल में कितने डॉक्टर शहीद हो रहे हैं, धिक्कार है आप जैसे व्यक्ति पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं महाराष्ट्र सरकार से, माननीय उद्धव ठाकरे जी, मैं आपका प्रशंसक हूं। मैं इसलिए आपका प्रशंसक हूं उद्धव जी, कि आपने बीजेपी का नारा छोड़ के, आपने तीन पार्टियों को मिला के, सभी समुदाय को मिला के एक अच्छी सरकार बनाई। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। सर हेड्स ऑफ टू उद्धव ठाकरे जी। वैसे भी मैं आपके पिता स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा अनुयायी हूं। वो जनता की आवाज थे, उनके दिल में लोग बसते थे, आज हमारे धड़कन में वो बसते हैं। भाऊ, बड़े भाई उद्धव जी, आदित्य ठाकरे जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जगह में, आपके क्षेत्र में, अमरावती जिले में इतना बड़ा एक अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन, मेरी दलित बहन, मेरी दलित बहन डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम को, क्या ये अन्याय बर्दाश्त होगा? क्या आप ये सहन कर पाएंगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और मैं ये आशा करता हूं कि मैं आपके पास इस मुद्दे को लेकर आऊंगा, और मैं ये वीडियो आपको समर्पित करता हूं। उद्धव ठाकरे जी, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, आपने साहस दिखाया, अनूठा साहस दिखाया आपने, आपने बीजेपी के तमाम जो गेम थी उस गेम को पलटा, माइंड गेम्स, डर्टी गेम्स, विधायक बदल लेना, अजीत पवार को साथ ले लेना, सरकार बदल लेना, रात रात में सरकारें बदली जाती हैं। अरे रात में तो निशाचर काम करते हैं, आप जानते हैं निशाचर किनको बोलते हैं? देवता तो दिन में निकलते हैं, आप समझे इस बात से क्या पर्याय है? जो लोग हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, रात में तो निशाचर का काम होता है, जानते हो ना बीजेपी के भक्तों, निशाचर किन्हें कहते हैं? अब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि फडणवीस सरकार ने भी शायद कभी इस बारे में इतनी गौर नहीं की होगी। कोई बात नहीं, माननीय उद्धव ठाकरे जी आप शासन में हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे, मेरी बहन डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम का इंसाफ होना चाहिए, उन्हें इस बात का डर है कि उनके ऊपर अटैक हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा,
ये जो एक्स एम एल ए कांग्रेस के वीरेंद्र भाऊ जगताप, इनका ये जो गांव है, पैतृक गांव है, जो गांव मैंने आपको बताया झावड़ा धोत्रा, टोटल पॉपुलेशन 1000 के आसपास से जो मुद्दे बताई गई, हो सकता है थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो, जरूरी नहीं कि स्टैट्स के बेस पे चलो, जरूरी है डॉक्टर सुनीता रमेश्राम मिश्राम के बारे में बात करने की, और कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपके वीरेंद्र भाऊ जगताप है, इनके एक फॉलोअर है जिनका नाम है प्रवीण चिंके। प्रवीण चिंके जी, बहुत फफ्तियां कसते हैं आप डॉक्टर सुनीता रमेश्राम मिश्राम के बारे में। आऊं क्या तुम्हारे सामने? आने की जरूरत है क्या? हिम्मत है क्या? गले से आवाज निकाल लोगे? तुम्हारे घर में खड़ा होऊंगा आके, और बहन जी को लेके आऊंगा डॉक्टर सुनीता मिश्राम को। कुछ बोल पाओगे? हिम्मत है? अपना गर्दन कटा लूंगा पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और बताओ भाई के सामने तुम क्या समझते हो? मैं दिल्ली बैठा हूं, नोएडा बैठा हूं या झारखंड जा रहा हूं तो मेरी बहन के साथ अत्याचार कर लोगे? है क्या हिम्मत? दुनिया के किसी कोने में किसी हैवान की ताकत है क्या कि किसी बहन के साथ दुराचार कर और उसका भाई देखता रहेगा? ये जन्म पे धिक्कार हो जाएगा, मृत्यु प्राप्त कर लूंगा लेकिन ये होने नहीं दूंगा। और भाइयों और बहनों, ये लोग जो बोलते हैं ना कि नारी बढ़ाओ नारी पढ़ाओ, आप देख रहे हैं नारी की क्या स्थिति है। ये सरकारी अधिकारी हैं, माननीय राहुल गांधी जी, सीधा सीधा आप पे टिप्पणी है ये, माननीय प्रियंका गांधी जी, ये खबर अगर आप तक पहुंचे मैं आशा करूंगा कि आप इनकी मेंबरशिप कैंसिल करेंगे, आप इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे। माननीय प्रियंका गांधी जी, आप खुद एक औरत हैं, एक स्त्री हैं, आपका मान हमारा स्वाभिमान, लेकिन डॉक्टर सुनीता रमेश्राव मेश्राम को अगर कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, एक्स कांग्रेस के एमएलए वीरेंद्र भाव जगताप। सीधी सीधी मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार रेबल सदानंद भाई, मेरे छोटे भाई, आप यूट्यूब पर हरदम बताते हो कि आप पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के भाई हो, तो क्या आप इस दलित महिला डॉक्टर की मदद नहीं करोगे? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मुझे कैसा एक्स एमएलए जो है वीरेंद्र जगताप, उनकी तरफ से मुझे बहुत तकलीफ है। उन्होंने मेरे ऑफिसर्स को प्रेशराइज करके मेरा ट्रांसफर, जो कि नियम यानी रूल के बाहर जाकर उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवाया उनके हाथ से, और मुझे मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास का एक गांव दिया जहां पर रहने की भी कोई सुविधा नहीं, और मुझे पनिशमेंट के तौर पर ये दिया है। लेकिन मेरा ऐसा कोई भी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं तो काम कर रही हूँ। लेकिन ये जो एक से मिले है जो कांग्रेस के वीरेंद्र जगताप, ये जातिवादी होने के कारण इनका कहना है कि भाई शेड्यूल कास्ट की महिला हमारे गाँव में नहीं चाहिए, वैसे ही महिला नहीं चाहिए, पुरुष चाहिए गाँव में। इस प्रकार से मुझे बार बार बहुत तकलीफ दी जा रही है, 1.5 साल से मैं तकलीफ में यहाँ पर ड्यूटी कर रही हूँ। रेबेल जी मेरे भाई, आप मेरी मदद जरूर करना, अगर मेरे जान को कुछ हो गया तो आप इस केस को जरूर लड़ना, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य अब आपके हाथों में है। मेरे भाई आप मेरी मदद जरूर करोगे, ये मेरी मुझे आशा है। रेबेल जी, रेबेल श्रद्धानंद जी, मैं आपको बार बार प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए, वरना मेरी जान को भी धोखा है। अगर मेरी जान जाती है तो इसका संपूर्णतः जिम्मेदार आप वीरेंद्र जगताप या कांग्रेस के एक्स एमएलए जो है उनको आप ठहराइए और उन पर केस चलाइए, और मेरे बच्चों को आप थोड़ा बच्चों को देख लेना, इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं आपको बार बार विनती कर रही हूँ कि आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। रिबेल श्रद्धानंद जी, मैं आपसे बहुत आशा रखती हूँ, आप मेरी जरूर मदद करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। वीडियो में अटैच कर रहा हूँ डॉक्टर सुनीता रमेश्राम मिश्राम का वीडियो अटैच कर रहा हूँ, और आज से आंदोलन शुरू है, ये आंदोलन शुरू है आज से। मैंने बोला था मैं 15 अगस्त को समर्पित करूंगा, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को समर्पित कर चुका। जो लोग ये कहते मैं घर से नहीं निकलता, निकल तो रहा हूं, 6-6 राज्य घूम रहा हूं, कोरोना का भय नहीं है, अगर ईश्वर को मुझे बुलाना है तो ईश्वर बुलाएंगे, कौन रोक सकता है, लेकिन अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। और भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के मेरे वीर साथियों, जिन लोगों ने मुझे कल इतने सारे कॉल किए, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के, मेरे इस्लाम के अनुयायियों, मेरे सिख धर्म के मानने वाले, मेरे क्रिश्चियन के वीर साथियों, और मेरे साथ ही हिंदू भाइयों और बहनों, एक बात मैं बोलूंगा, बहन बेटी सबके बराबर है, ना कोई धर्म ना कोई जाति। डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम को इंसाफ दिलाना है। इन्होंने एक अर्जी दी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके तालुका हेड ऑफिस है डॉक्टर जायसवाल, इन्होंने उनको भी कंप्लेन किया। ये जो है प्रवीण चिंके, जो कि वीरेंद्र भाव जगताप, जो एक्स कांग्रेस के एमएलए, उनके फॉलोअर है, इनके बारे में कंप्लेन किया। और आप देखिए, ये कहते कि शेड्यूल कास्ट को आने की जरूरत नहीं है। क्या है भाई शेड्यूल कास्ट? अगर वो दलित समुदाय की है
क्या वो भारतीय नहीं है? क्या आपको उन्हें वीजा देके चलाने की जरूरत है? क्या हिमालय के पहाड़ों में भेज दें सबको? हैं? ये चाहते हैं आप? भाई साहब आपको उल्टे पांव भागना पड़ेगा। जगताप जी, प्रवीण चिंगे जी, रास्ते ढूंढ लीजिए। आपने गलत आदमी छेड़ दिया, आपने गलत आदमी को छेड़ दिया। डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम मेरी बहन है, रेबल की बहन है, मजाल नहीं। इस देश में करोड़ों रेबल है, करोड़ों। इतने आ जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे, और उनमें से कई तो प्रशासनिक अधिकारी होंगे। मुकदमेबाजी हम चाहते नहीं है, हमारी ये सोच नहीं है, लेकिन आपके मन का जो विकृत सोच है ना, इसे तो हम उखाड़ के फेंकेंगे। और मैंने उस दिन कहा था, मैं केवल बीजेपी के बैड गवर्नेंस के खिलाफ नहीं हूं, जहां भी कोई भी पार्टी का व्यक्ति गलत करेगा, रेबल वहां होगा। भाइयों और बहनों, डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम, हेल्थ ऑफिसर, चावड़ा दोत्रा गांव, अमरावती जिला, तालुका चंद्रू रेलवे, अमरावती जिला, दोबारा बोल रहा हूं, माननीय उद्धव ठाकरे जी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेकर रहेंगे। डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम के साथ जो हुआ, इसके लिए जगताप जी को, वीरेंद्र भाऊ जगताप, मैं अभी जी का इस्तेमाल कर रहा हूं। और जब आप डॉक्टर सुनीता का वीडियो देखेंगे, उन्होंने प्रवीण चिंके को भी जी बोल के बोला है। सोचिए, आप लोग उनके साथ गंदगी कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो अपना शिष्टाचार नहीं भूलती। सीखने की जरूरत है। आपके माँ बाप ने आपको ये संस्कार दिए क्या? एक दिन डॉक्टर सुनीता मेश्राम जो है, उनके वहां आंधी आ गई, जून 3 की बात थी, उनके घर का आगे पेड़ गिर गया, तो समय पे ऑफिस नहीं आ पाए, तो ये लोग कंप्लेन करने चले आए, जबकि सबको पता था कि वहां आंधी तूफान आया है। आप बताइए, क्या इस तरीके से औरतों को तंग किया जाएगा? भाई भारत माँ बोलते हैं हम, भारत को माँ का दर्जा देते हैं, गाय को माँ का दर्जा देते हैं, देवी का दर्जा देते हैं, और जो जीवित देवी देवता हमारी बहनें जो हैं, उनके साथ ये व्यवहार नहीं चलेगा। भाई और बहनों, ऑपरेशन सेफ, डॉक्टर सुनीता रमेश राव मेश्राम विद अफसर अली, विद एशियन NCR, विद दलचीना न्यूज, आपके साथ हूँ। ये मूवमेंट चलेगा, अंत तक ले जाएंगे, इसको परवान चढ़ाएंगे, इंसाफ दिला करेंगे। बहन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे आवाज दी भाई के नाते। आपके साथ हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, कितने मिनट हो गए?